दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित करने के बाद केजरीवाल के सदन में आज एक और परीक्षा है। आज स्पीकर पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और मैदान में बीजेपी और आपके उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। ऐसे में सबकी निगाहें कांग्रेस पर ही टिकी हैं, क्योंकि 8 विधायकों वाली कांग्रेस का वोट ही तय करेगा कि दिल्ली विधानसभा में किसकी चलेगी। आपने साबित किया बहुमत, मंत्रिमंडल आप सबको बधाई हो, मुबारक हो, धन्यवाद। स्पीकर पद का चुनाव आज। कांग्रेस ने नहीं खोले अपने पत्ते, बीजेपी और आप में मुकाबला। केजरीवाल के चेहरे पर खिली खुशी और बधाइयों के इसी सिलसिले के साथ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा में बहुमत साबित कर अपनी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा पास कर ली है। 32 के मुकाबले 37 वोटों से केजरीवाल की सरकार का बहुमत प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पास हो चुका है। आज दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल सरकार की एक और परीक्षा है। आज सदन के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है और मुकाबले में दोनों ही बड़ी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। स्पीकर पद के लिए आपका सीधा मुकाबला बीजेपी से है, क्योंकि कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प है। बीजेपी ने अपने सबसे अनुभवी और वरिष्ठतम विधायक प्रोफेसर जगदीश मुखी को विधानसभा अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है, तो जगदीश मुखी के मुकाबले में पहली बार विधायक चुने गए MS धीर को आम आदमी पार्टी ने इस पद का प्रत्याशी बनाया है। भारतीय जनता पार्टी ने जब हमारे 14 सदस्य थे तब भी चुनाव लड़ा था, जब हमारे 21 सदस्य थे तब भी लड़ा था, 24 थे तब भी लड़ा था। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि चुनाव स्पीकर पद का लड़ा जाएगा और पार्टी ने मुझे निश्चित किया है चुनाव लड़ने के लिए, उसी हिसाब से आज नॉमिनेशन भर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जीत का सेहरा 32 विधायकों वाली बीजेपी के सिर बनता है या फिर 28 विधायकों के साथ अल्पमत में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी के। लेकिन गेंद एक बार फिर कांग्रेस के पाले में है। 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में जिस प्रत्याशी के पक्ष में 36 वोट पड़ेंगे उसी को जीत हासिल हो पाएगी। बीजेपी के पास 32 विधायक हैं, तो आम आदमी पार्टी के पास 28, कांग्रेस के पास 8, जनता दल यू के पास 1 और 1 निर्दलीय विधायक। आंकड़ों के लिहाज से बीजेपी को जहां 4 तो आपको 8 वोट की जरूरत होगी। सूत्रों की माने तो प्रोफेसर मुखी की दावेदारी काफी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि प्रोफेसर मुखी सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। हालांकि सदन में बहुमत हासिल हो जाने के बाद सरकार के हौसले भी बुलंद हैं। That's not our challenge. जो भी स्पीकर बन जाए क्या फर्क पड़ता है? That's not our challenge. जो भी स्पीकर बन जाए क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आपके लिए स्पीकर का चुनाव विश्वास मत जीतने जैसा आसान नहीं माना जा रहा है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने आखिरी वक्त तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हमारा कैंडिडेट खड़ा करने का तो सवाल ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास संख्या नहीं है। तो ऐसे में आप लोग क्या एब्सेंट करेंगे तो उसका सीधा फायदा कहीं ना कहीं? नहीं, अभी ये सब कहना बहुत जल्दी होगा, अभी CLP की मीटिंग में हम लोग कह रहे हैं। मतलब लग रहा है कि धीर बन जाएंगे? अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी है। मुखी को तो समर्थन नहीं कर रहे हैं आप लोग? अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ कहना। कर सकते हैं? नहीं। जाहिर है कांग्रेस बीजेपी को समर्थन तो नहीं देगी, लेकिन मुमकिन है कि वो अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट ही न डाले। इस हालत में बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिल सकती है। जाहिर है जो कुछ भी होना है इसकी तस्वीर तभी साफ हो पाएगी जब विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले जाएंगे। बस कुछ घंटों का इंतजार और कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।